अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, जैसे डार्क और लाइट में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो अपना एचपी का जो है वो प्रिंट चालू कर लीजिए। मैं जैसे चालू कर रहा हूँ कि प्रिंट मेरा चालू हो जाए, तो ये देखिए चालू होने लगा है, इसलिए आवाज़ कर रहा है। ये एचपी का प्रिंट है, ये चालू हो रहा है। कुछ टाइम लगेगा, इसलिए कुछ वेट रुक जाए। और आपको कैसा प्रिंट चाहिए, हल्का या डार्क या लाइट, ये देखिए चालू हो रहा है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपको डार्क और लाइट के बारे में बताऊंगा, आप कैसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये है प्रिंटर HP M126NW वायरलेस एंड स्कैन एंड कॉपी एंड अदर। ये देखिए ये रेडी हो चुका है। तो मैं आपको बताऊं कि कैसे होगा डार्क एंड लाइट, तो आपको सिंपल ही इस बटन पर क्लिक करना होगा। तो आप अगर इस तरफ जाएंगे तो आपका लाइट होगा, और आप इस तरफ जाएंगे तो डार्क होगा, मतलब कि इस तरफ गाढ़ा होगा और इस तरफ गाढ़ा नहीं होगा, आपका सिंपल ही बनता जाएगा। तो आप कैसे बदल सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर बीच में है, मीडियम में है, तो आप इस तरह करके और यहाँ पर ओके कर दीजिए, ये सबसे डार्क होगा, और ओके कर दीजिए। ये कस्टमाइज सेटिंग लिख गया, मतलब कि आपका रेडी हो चुका है सेटिंग। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से इधर पे बदल सकते हैं, इस बटन को दबाएंगे तो आपको इधर ले जाएगा, मतलब लाइट में ले जाएगा, और इस तरफ डार्क में ले जाएगा। तो आप इस तरफ बटन दबाकर आप ले जा सकते हैं, जैसे ये सिंपल ही ओके कर दीजिए और ये कस्टमाइज ओके हो गया। आप मीडियम में लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ तक लोग मीडियम ही यूज करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई जानकारी इस प्रिंटर के बारे में जानकारी लेना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है और ये हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।